अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी दस्तरखान। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आज मैं अपने किचन में बहुत ही यूनिक चीज़ बनाने जा रही हूँ और वो है बाथू के पराठे। उसके लिए हमने लिया है 1/2 kg बाथू और 1/2 kg ही सिंपल गंदम का आटा। एक हरी मिर्च बारीक काट ली है, 1 teaspoon जीरा, 1 teaspoon नमक, 1 teaspoon चिली फ्लेक्स और 1 teaspoon पिसी हुई मिर्चें। और ये ऑयल हम लेंगे हसबे जरूरत। व्यूअर्स, सबसे पहले हम बाथरूम को बहुत अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। इसके लिए मैंने ये डिफरेंट स्टाइल का रखा हुआ है छन्ना, जिसे हम पानी से बिल्कुल क्लीन कर देंगे। इसमें से सारी गर्द, मेरी किचन जो कुछ भी था सब निकल चुका है। अब हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे। थोड़ा सा बाथरूम हम निकाल के रख लेते हैं, ये कटिंग के काम आएगा। कटिंग करके उसमें शामिल करेंगे और बाकी बाथरूम को हम बॉईल करते हैं। व्यूअर्स, ही मैंने पानी बॉयल होने को रख दिया था। अब इसमें मैं बाथरूम शामिल कर लूंगी। इसे कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट ही पकाऊंगी। व्यूअर्स, 3 मिनट गुजर चुके हैं। पानी क्योंकि पहले से ही रख दिया था बॉयल होने को, इसलिए अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम पीस लेंगे। ये व्यूअर्स मैंने इसमें डाल लिए हैं। अच्छा सा ये पिस चुका है। ये व्यूअर्स, हमने जो थोड़ा सा बाथू निकाल के रखा था इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। इसे मुझे बोर की कतई जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा काटना है और हम बचपन से ऐसे ही काटते चले आए हैं, इसलिए हमें आदत है। जरूरत के मुताबिक हो चुका है। जीरा, नमक, मिर्चें, ये पिंक साल्ट है, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नमक मिर्च आप हसबे जायका रख सकते हैं। हरी मिर्चें, पिसा हुआ बाथू, बाथू या बथुआ, अलग अलग इलाकों में इसके अलग अलग नाम है। ये नीम गर्म ही है, इससे आटा बहुत अच्छा गूंधेगा। अब हम इसमें हसबे जरूरत ऑयल भी ऐड कर देंगे, इससे आटा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ये बहुत ही लजीज और बहुत मज़ेदार बाथू के पराठे होते हैं। सर्दी के मौसम में हमें इससे ज़रूर लुत्फानंदोज होना चाहिए। गर्मा गर्म ये बाथू के रायते के साथ बहुत ही मज़ा देते हैं। व्यूअर्स, आटा बन चुका है, अब हम इसे सेट होने के लिए रख देते हैं 10 से 15 मिनट, उसके बाद फिर हम इसके पराठे तैयार करेंगे। ये व्यूअर्स, 15 मिनट गुजर चुके हैं, आटा अच्छे तरीके से सेट हो गया है। अब हम इसके पराठे बनाना शुरू करते हैं।
इसी तरीके से एक एक करके हमें जितने पराठे चाहिए वो हम तैयार करके रख देंगे। इसे बेल चुके हैं, फ्लेम हमने पहले ही ऑन कर लिया था। इसको भी हम थोड़ा सा ऑयली करेंगे। अब हम इसे धीमी धीमी आंच पे पकाते रहेंगे। एक साइड हो जाएगी तो इसे दूसरी साइड पे टर्न कर देंगे। ये एक साइड से हमारा पराठा देखें कितना खूबसूरत इसका कलर है। हम इसमें हस्ब जरूरत आयल लगा देंगे। अब जरूरत पड़ेगी मुझे स्पून की, अभी तक हाथ से काम चल रहा है। देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल गोल्डन बाथू के पराठे हमारे तैयार हैं। इसे करके हम इसी तरीके से सब बनाते जाएंगे। ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार है। तो व्यूअर्स, ये हमारे मज़ेदार गर्मा गर्म बाथू के पराठे रेडी हैं। इसको हम बाथू के रायते के साथ लेंगे। आप जैसे चाहे सर्व करें, इसे साथ चटनी, अचार, कुछ भी सर्व किया जा सकता है। ये खाने में बहुत ही लजीज और बेशुमार फ़ायदों वाले होते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।